ये आईएएस दैट इज यूपीएससी सीएससी 2013 में पूछा गया है, 8 मार्च का है। उसी में आइगन वैल्यूज जिसे हम करेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखिए रो बाई कॉलम मेथड से, आप जानते हैं। और यह भी आपने पढ़ा है कि यूनिटी के जो तीन रूट्स होते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उनका सम जीरो होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। और यह टेक्निकल क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेज, उसी में आइगन वैल्यूज जिसे हम करैक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ प्रॉब्लम लिखा है, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डिनोट द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर सो दैट मोड लेमडा 1 प्लस मोड लेमडा 2 प्लस मोड लेमडा 3 लेस देन इक्वल टू 9। ए आई ए एस दैट इज यूपीएससी सीएससी 2013 में पूछा गया है, 8 मार्च का है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको यहां ए स्क्वायर निकालना होगा क्योंकि हमको ए का नहीं मांग रहा है, किन वैल्यूज ध्यान दीजिए ए स्क्वायर का मांग रहा है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर को निकालिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप जानते हैं ए इंटू ए, वन 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 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू, फिर एक जगह लिखिए वन 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 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखिए, एक मैट्रिक्स मिलेगा रो बाई कॉलम मेथड से, आप जानते हैं। तो सावधानी से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया जाए, वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू वन वन, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कीजिए, तो वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इंटू ओमेगा ओमेगा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, तो वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया जाए, तो वन इंटू वन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू वन ओमेगा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किया जाए, वन इंटू वन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फोर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से किया जाए, तो वन इंटू वन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब प्लस
ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से वन इंटू वन वन प्लस ओमेगा इंटू वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर। फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से वन इंटू वन वन प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से वन इंटू वन वन प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फोर। तो अब देखिए दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो गया। इसको लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा, सीधा करके प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा फोर का मतलब ओमेगा होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा क्यूब वन होता है, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फोर ओमेगा होता है। देखिए मैं यहां समझने के लिए लिख देता हूं, सिंस वी नो दैट ओमेगा क्यूब वन होता है एंड इसलिए ओमेगा क्यूब जहां है वहां वन लिखे हैं और ओमेगा फोर की जगह ओमेगा लिखे हैं। तो देखिए कैसे होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं और ओमेगा क्यूब वन होता है, देखिए अभी मैंने लिखा इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा। यही कारण है कि जहां ओमेगा फोर है वहां वन इंटू ओमेगा ओमेगा लिखे, जहां ओमेगा फोर है वहां मैं ओमेगा लिखा हूं, जहां ओमेगा क्यूब है वहां वन लिखा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इंटर में पढ़ें इस चीज को। थ्री, और यह भी आपने पढ़ा है कि यूनिटी के जो तीन रूट्स होते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उनका सम जीरो होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, सो दिस सम इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो जीरो, दिस इज जीरो वन 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 थ्री, देखिए ये भी जीरो वन 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 थ्री, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, यहां कॉज लिख दीजिए, सिंस वी नो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। देखिए क्लियर हो गया, तो ये किसका वैल्यू निकला, ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे ना, तो यहां लिख दीजिए इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्या करना है,
मैट्रिक्स ए स्क्वायर के करेक्टरिस्टिक रूट्स दैट इज आइगन वैल्यूज को प्राप्त करना है। इसके लिए ए स्क्वायर का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, मैं बता चुका हूं, तो लिखिए। नाउ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, नहीं ए स्क्वायर, इज, बोलिए क्या होता है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, जब ए होता है तो ए माइनस लेमडा मैं बताया हूं, तो ए की जगह ए स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, इस करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर को आप देखें और इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें लेमडा सब्ट्रैक्ट कर लें, अब बाकी को जस का तस छोड़ दें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा थ्री माइनस लेमडा जीरो जीरो जीरो। देखिए डायगोनल पर है, यहां जीरो, तो जीरो में सब्ट्रैक्ट कीजिए लेमडा, इसको छोड़ दें, जीरो थ्री डायगोनल पर, देखिए यहां जीरो है तो जीरो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे लेमडा इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज डिटर्मिनेंट थ्री माइनस लिमडा जीरो 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 माइनस लिमडा थ्री जीरो थ्री माइनस लिमडा इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो यहां देखें, यहां तक पहुंच गए हैं, इसके बाद लिखिए दिस इंप्लाइज, अब ये तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट रो को लेकर इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसका प्लस साइन लिखिए प्लस, फिर एलिमेंट लिखिए थ्री माइनस लेमडा इंटू, फिर इस एलिमेंट का माइनर लिखिए, यानी यह जिस रो में है रिमूव कीजिए, जिस कॉलम में है रिमूव कीजिए, ये दोनों को डिटरमिनेंट में लिखिए, माइनस लेमडा थ्री थ्री माइनस लेमडा, जीरो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हुआ बाय एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट बाय टेकिंग फर्स्ट रो। अब आगे देखिए थ्री माइनस लेमडा इंटू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, अब माइनस का चिन्ह दीजिए, थ्री इंटू थ्री नाइन इज इक्वल टू जीरो। हाँ तो देखिए, हाँ दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो यह जीरो होगा या यह जीरो होगा, तो थ्री माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो और लेमडा स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, इससे हो गया लेमडा इज इक्वल टू थ्री, इससे हो गया लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, यह इंप्लाई करेगा लेमडा इज इक्वल टू थ्री और स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट होगा और नाइन का स्क्वायर रूट प्लस माइनस थ्री
दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू थ्री, इसमें प्लस थ्री यहां लिख दिया जाए और एक माइनस थ्री, अब लेमडा का तीन वैल्यू आया तो इसे कहें आप लेमडा वन, इसे कहें लेमडा टू, इसे कहें लेमडा थ्री, तो लिखिए लेट लेमडा वन इज इक्वल टू थ्री, लेमडा टू इज इक्वल टू थ्री और लेमडा थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो इसके बाद देखिए हमको निकालना है मोड लेमडा वन प्लस मोड लेमडा टू प्लस मोड लेमडा थ्री, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। लेमडा वन थ्री है मोड थ्री, लेमडा टू भी थ्री है मोड थ्री, लेमडा थ्री माइनस थ्री है तो मोड माइनस थ्री, तो थ्री का मोड आप जानते हैं थ्री, थ्री का मोड थ्री, अब माइनस थ्री का भी मोडलस थ्री होता है आपको मालूम है, तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन हो गया। और आप जानते हैं कि हम लिख सकते हैं नाइन इज लेस देन और इक्वल टू नाइन, क्यों यहां समझना है आपको, नाइन नाइन के इक्वल है बट नाइन नाइन से लेस नहीं है, तो इसको पढ़ा जाता है लेस देन और इक्वल टू, माने दोनों में कम से कम एक जरूर सही हो, तो यहां इक्वलिटी वाला साइन सही है, लेस देन का सही नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। तो केवल नाइन को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, नाइन इज लेस देन और इक्वल टू नाइन, इसमें इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है, दैट इज मोड लेमडा वन प्लस मोड लेमडा टू प्लस मोड लेमडा थ्री, फाइनल हो गया लेस देन और इक्वल टू नाइन, और यही आपको प्रूफ करना था। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एक्सप्लेन करके बता दिया, आपको अच्छा लगा होगा, और यह टेक्निकल क्वेश्चन था, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।